प्यारे बच्चों, इधर पाकिस्तान जीता और उधर एक और बंदा भी जीत गया। आपका भाई जो है वो लक्स स्टाइल अवार्ड जीत चुका है रात को, और इसीलिए वीडियो भी नहीं बना सका। और बल्कि इनफैक्ट दो दिन हो गए भाई सोए नहीं है, तो ज़रा से इस वक्त डाउन भी होंगे। जिस किस्म की वीडियोस बन रही होंगी उसको प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैच मैंने देख लिए, कहानी अक्यों से मैं देख रहा था, इवन अवार्ड शो के ऊपर ही बैठा हुआ मैं देख रहा था कि मैच में क्या चल रहा है। तो कोई टूटी फूटी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे वोट किया, क्योंकि व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी थी और इसके अंदर सिर्फ वही बंदा जीता है जो वोट ज़्यादा लेता है। तो आप लोगों ने मुझे इतने बड़े बड़े नामों के बीच में इस काबिल किया कि मैं खड़ा भी हो सका, और फिर खड़ा होने के बाद जीत के भी आ गया। तो वैसे तो नॉर्मली सब लोग कहते हैं कि ये मेरे चाहने वालों के लिए अवार्ड है, बट ये बाकी ही आप लोगों के लिए अवार्ड है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना डिजर्विंग हूं कि इस तरह के अवार्ड्स भी जीतना शुरू कर दूं, लेकिन आप लोगों के प्यार ने और आप लोगों की सपोर्ट ने हमेशा मुझे ऐसी जगहों पर भी इतना कामयाब किया। सो थैंक यू सो मच हर उस बंदे का जिसने जाके वोट किया, जिससे अपनी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, डीएम्स किए थे, जिसके अंदर बता रहे थे कि हमने अपनी पूरी फैमिली से वोट कराया। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग सीबी आर्मी की वजह से मैं हूं, अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ नहीं, उसके बगैर इस तरह सर्वाइव करना और इस तरह मौकों के ऊपर जाकर अवार्ड्स भी जीत लेना ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव शुरू से लेके आज तक जो आप लोग दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमेशा हमेशा इससे भी डबल ट्रिपल हो जाए। खैर, बाकी जितनी भी मेरे साथ नॉमिनेशंस थी उनके जो फैंस हैं वो आई एम श्योर के काफी ज्यादा नाराज भी हो रहे होंगे, और काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, 12-12, 15-15 साल से वो इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू देम। बट हमारी भी छोटी मोटी आर्मी है यार, जो कि जब भी जिधर जाती है तो वहां पर तहलका मचा देती है, और अब हमारा क्या कसूर है कि हमें हमारे सामने जो भी आ जाए बस फिर आर्मी ने तो अपना काम करना है। खैर, पॉइंट ये है कि थैंक यू गाइस सो मच, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है, आई कैन नॉट थैंक यू एनफ। बट डोंट वरी, ये तो भी शुरुआत है, आगे भी देखें क्या होता है। और मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा अपनी अवार्ड स्पीच देते हुए, लेकिन मैच मैंने देख लिया पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का। हम बात कर रहे थे कि भाई बड़ी नेट रन रेट से इनको हराना है, उधर तो लाले पड़ गए थे भाई एंड में। शुक्र है जीत गए, 2 पॉइंट्स मिल गए, इस चीज की फिक्र पड़ी थी, लेकिन फिर भी 80 रन से हमने हरा दिया है, जो कि बिल्कुल लग नहीं रहा था। 80 रन भी डिसेंट होते हैं, आई वुड से कम 120 होने चाहिए थे, उस पर और बेहतर हो जाता कि यार जरा कम। यही टीम्स होती हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा नेट रन रेट वगैरह बेहतर कर लेते हैं, अदरवाइज आगे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वगैरह इनके ऊपर तो हम नहीं कह सकते ना कि 200 रन से इनको हराओ। और पिछला वर्ल्ड कप जो था उसके अंदर हम नेट रन रेट के ऊपर ही बाहर हुए थे, अगर आप सबको याद हो, हालांकि परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी। पहला मैच हम हारे थे वेस्ट इंडीज, और इतना बुरा हारे थे, -5 के ऊपर चली गई थी हमारी नेट, और वो बिल्कुल टूर्नामेंट के एंड के ऊपर जाके हमें उसका ख्याल आया कि ये हमने क्या कर लिया था। खैर, पहली इनिंग्स के अंदर हम जिस तरह की जुलाब कर रहे थे मैं वो देख रहा था, और मैं शुक्र ही कर रहा था कि मैं मैच उस तरह देख नहीं रहा बैठ के, नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाता है। जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो इस वक्त बिल्कुल ही उल्टी लाइन के ऊपर चल पड़ा है। नॉर्मली हमारा ये होता था कि टॉप ऑर्डर चल रहा था, मैं कहता था कि यार धोती जो है वो ऊपर से बंद हुई भी, नीचे से खुली है हमारी जो बैटिंग लाइनअप की है, इधर कोई अजीब ही हिसाब हुआ है, अब तो ऊपर से भी खुल गई है, बीच में कहीं कोई नाड़ा आ जाता है घुटनों के ऊपर। और फिर उसके बाद इस दफा तो वैसे हुआ भी ये था कि बीच में सऊद शकील और रिजवान ने रोक लिया था, उसके बाद फिर से दोबारा कोलैप्स हुआ था, और एंड के अंदर शदाब और नवाज ने बड़ी हैंडी किस्म की पार्टनरशिप कर ली थी। तो इसका मतलब है कि नीचे जो जुराबे हैं वो भी बस थोड़ी सी शर्म ढांप लेती हैं, आगे से अंगूठा उसका भी निकला हुआ है बाहर। खैर, ये भी खबरें आ रही है कि ये पाकिस्तान की पहली जीत है वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर इंडिया की सरजमीन के ऊपर, और लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों यार कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल में इसके ऊपर ख्याल कर लो, नेदरलैंड से जीते हैं, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, इंशाल्लाह वो भी जीत जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है हमें मेरा ख्याल में। हो भी तो अभी तक मेरे हमें 2 ही वर्ल्ड कप हैं, एक में तो पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका के अंदर हुआ था, 96 का वर्ल्ड कप था, उसके अंदर भी हम क्वार्टर फाइनल हारे थे, मेरे हमें एक ही मैच होगा जो हमारा इंडिया में हुआ होगा, और दूसरे वाला भी जो 2011 में था उसके अंदर हम सेमीफाइनल हारे थे। माशाल्लाह दोनों दफा हम इंडिया से ही हारे हैं, और इंडिया को इंडिया में हराना कोई आसान काम तो नहीं होता, बट खैर शुक्र है कि नेदरलैंड्स को हमने हरा दिया, और ये जो मुंह पे कलक मल्ली हुई थी हमारे के वर्ल्ड कप का कोई भी मैच नहीं जीते वो धुल गई। लेकिन सबसे बड़ा शाउट आउट मेरे दोस्त सऊद शकील को जाता है, यार क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल ली मेरे बॉय ने दोबारा से, ब्यूटीफुल यार खूबसूरत। मैं कितनी दफ़ा, हम कब से ये लगे हुए थे कि यार वो लंकन कंडीशंस के अंदर इसको होना चाहिए मिडल ऑर्डर के अंदर, ये स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हमारी कौन सुनता है भाई, पूरा एशिया कप निकल गया, उससे पहले भी जो अफगानिस्तान वाली सीरीज थी वो भी निकल गई, अब जाके मेरे ख्याल में वार्म अप में भी एक में इसको नहीं खिलाया था, लेकिन टीम इनफैक्ट इन्होंने वही रख ली थी। मैं जिस तरह पिछली एपिसोड में भी कह रहा था कि फखर को एक चांस देना चाहिए, तो उन्होंने चांस दिया है, ये और बात है कि उन्होंने फिर से अवेल नहीं किया, और बट टीम ओवरऑल वही है जो कि हम सब चाहते भी थे। लेकिन सऊद शकील ने जो इनिंग्स खेली ना, मैन ऑफ द मैच बन गया मेरा बॉय, और क्या खूबसूरत इनिंग्स के लिए दोस्त। दूसरा साथ रिजवान, यार बेहतरीन इनिंग्स, ये मैं हमें इन दोनों के ऊपर ही है, पीछे बाबर साहब हैं, लेकिन बाबर ने भी आजकल ठेका लिया हुआ है कि हर किस्म का अननोन जो भी जिसको भी कोई भी नहीं जानता ना उसको बाबर ने विकेट देनी, कि यार इसका तो मैं मोराल ऊपर कर दूंगा ना। तो हर टीम को चाहिए कि क्राउड में से किसी बंदे को लाया करें और उसको बॉल पकड़ा दिया करें कि इसको स्पिन फेंक दे जरा, ये देखना कैसे आउट होता है। जैसे हम बात करते कि फखर आउट हो गया और टॉप ऑर्डर हमारा फेल हो गया, लेकिन आपस की बात है, मैंने थोड़ा सा देखा था शुरू के अंदर मैच जो है वो कुछ थोड़ी अजीब हरकतें हो भी रही थी पिच पर, बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही थी, और मुझे तो पर्सनली लग रहा
था कि मुश्किल कंडीशन हुई हुई थी उस वक्त खेलने के लिए, बट आप जब टॉस जीत जाते हैं तो हमें टॉस भी वही जीते हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग ही कंफर्म करते हैं, वो जीत के उन्होंने बैटिंग पे भी हमें डाल दिया था। कंडीशन थोड़ी अजीब हुई हुई थी वैसे, इसमें कोई शक नहीं है, पहला एक घंटा तो पिच पे सर्वाइव करना मुश्किल हुआ था, बट अल्लाह का शुक्र है कि शदाब और नवाज़ की जो पार्टनरशिप हुई उससे मैं बड़ा ज़्यादा इंकरेज हूँ। एक तो ये कि बैटिंग भी उसने अच्छी की शदाब ने, दूसरा उसके बाद आज मैं जो बॉलिंग भी इस वक्त की थी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत रिदम नज़र आ रहा है। बस एक दो मैचेस की गेम होती आपकी फॉर्म वापस आ जाती है, मैं थोड़ा सा ऊपर टॉस करके बॉल करा रहा था जिस वजह से कोई बॉल के अंदर कोई स्पिन भी आ रही थी, अदरवाइज वो वट्टे जो मार रहा होता ना फास्ट बॉलर्स वाले वो नहीं निकल रहे थे। बट पता चल रहा था कि अपने दोस्त जन नर्वस हो गए हैं, वर्ल्ड कप का प्रेशर है उसके ऊपर, जो छोटे छोटे कोलैप्स हो रहे थे ना, पहले तीन आउट हुए उसके बाद फिर लंबी पार्टनरशिप मची और फिर जब आउट होते तो एक साथ तीन तीन जाते थे। दोस्तियां यारानियां बनाई हुई है भाई, जाना तो साथ जाना, नहीं तो नहीं जाना। वो बस डेलीडी जो है वो उसने कोई यार पता नहीं कोई चार पांच आउट भी किए हुए थे हमारे, उसके बाद फिर कोई इनिंग्स भी 50 रन बनाए हुए थे और बस कर दे यार बस डेलीडी। उसका मेरे ख्याल में अबू भी थे टीम डेलीडी थे शायद, जिन्होंने इससे पहले 20 पहले इसी तरह की परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ, उनसे डर लग रहा था, लेकिन उनको आउट कर दिया रिजवान मेरे दोस्त ने और फिर उसके ऊपर चुमियां दी हैं मेरे इमाम दोस्त ने, क्योंकि उसको भी पता है कि डेस्परेट सिचुएशन है भाई, इस वक्त तो मैं किसी को भी चूम लूंगा, इसको बस आउट कर ले। खैर पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो टॉप के ऊपर आ गए। मेरा ख्याल में अगर मेरे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन पूछे ना, जो कि आप नहीं पूछ रहे लेकिन मैं फिर भी दूंगा, और वो ये होगा कि यहीं पर टूर्नामेंट को खत्म कर देना चाहिए और जो टॉप के ऊपर दो टीम्स हैं उनको आपस में लड़वा के तो बस सबका टाइम बचाओ यार। वैसे भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो ही फाइनल खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड पूरा टूर्नामेंट सबको डोमिनेट करती रहेगी और फिर फाइनल के अंदर हमारे सामने ढेर हो जाएगी। दूसरे एक और बड़ी खुशाइन बात यह है कि हसन अली का रिदम भी वापस आता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैंने किसी को अपने दोस्त को भेजा भी था और उसको कहा था कि इसका स्क्रीन शॉट ले ले, उसने तो फिर आगे से मुझे लानत ही भेजी थी, लेकिन स्क्रीन शॉट मैंने इस बात का कहा था कि हसन अली बनेगा आकिब जावेद 92 का और शाहीन बनेगा वसीम अकरम 92 का। आखिरी मैचेस के अंदर आगे वो जो है उसका रिदम और वही वाली चीज वापस आई हुई होगी और सऊद शकील बनेगा इंजमाम, और इस बात का मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले ले और उसने कहा था कि लानत तेरे मुंह के ऊपर, बट मुझे लग रहा है कि कुछ इस किस्म का सीन होने लगा, हसन अली की वापस आ रही है रिदम। खैर खुशियां हमने बहुत मना ली है, लेकिन सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज ये है कि ओडीआई के अंदर हम ऑल आउट हुए हैं, वो भी नेदरलैंड्स के हाथों, और 49 ओवर्स के अंदर ऑल आउट हुए हैं, पूरे 50 ओवर्स भी हमने नहीं खेले, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नेदरलैंड्स के खिलाफ आपने इस किस्म की परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। खैर भाई आज की वीडियो में इतना ही, एक बार फिर आप लोगों से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने भी जाके वोट किया था, बहुत से लोग हैं जो मुझे YouTube पे फॉलो नहीं करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उनको भी जाके मेरा सलाम दे दीजिए और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भी एक्सेप्ट करें जिन्होंने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया है। आगे मुझे इसी किस्म की सपोर्ट आपकी चाहिए होगी, इस वीडियो को भी सपोर्ट करें, लाइक के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब भी करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।